IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम दा से दामोदर के दांत। नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बैठो बैठो, अरे बैठो बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। शाबाश। अरे वाह वाह वाह, टॉफी। क्यों अधीरा, आज क्या खास बात है? आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह वाह वाह, जन्मदिन है, बजाओ ताली इसी बात पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अधीरा को जन्मदिन की। आज अधीरा ने हम सबको टॉफी दी है। अच्छा, मुझे भी दी है। अरे वाह, मुझे नहीं दी है। ओ, आपको नहीं दी, आपको दो मिलेंगी पक्का। ये लो, थैंक यू। वाह भाई, टॉफी तो बड़ी स्वादिष्ट है। क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, टॉफी तो तुम लोग खाते हो, दांत वांत भी साफ करते हो या नहीं? करते हैं। वाह शाबाश, बजाओ इसी बात पर ताली। आप भी करते हो, इसके लिए भी बजाओ ताली। एक बात बताओ, अगर आप लोग रात को टॉफी खाते खाते सो जाओ तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, दांत बाहर निकल जाएंगे। कीड़े लग जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। मैंने घर में मिर्ची खाई ना, फिर मिर्ची खाते खाते मुझे उल्टी आ गई। उल्टी आ गई। वो अगर मुंह में टॉफी लेके सोएंगे तो गले में अटक जाएगी, गंदी बदबू आएगी। बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही भालू दामोदर की कहानी सुनाऊंगा जो टॉफी चॉकलेट तो खाता था पर दांत साफ नहीं करता था। छी छी, कीटाणु हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। हाँ, बदबू आएगी, सड़ जाएंगे, खराबी भी हो जाएगी। वाह वाह, गंदी बदबू भी लग जाएंगे, कीड़े। फिर दांत लगवाने पड़ेंगे। हाँ, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। तो बच्चों, द से दामोदर। हाँ शाबाश, दा से दामोदर, दा से दांत। हाँ, दा से दांत। शाबाश। दर्द, दा से दर्द। अरे वाह, दा से दादी, दा से दादा, दाने, दा से दाने। क्या दाल, बात, दा से दाल, दा से दाढ़ी, दा से दाढ़। आगे सुनाओ ना कहानी। सुनाता हूँ बच्चों, आगे की कहानी भी सुनाता हूँ। हाँ, एक था भालू, नाम था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। वो बहुत हट्टा कट्टा दमदार था। दमदार। हाँ शाबाश। और पता है वो क्या करता था? कसरत करता था। वो खूब कसरत करता था। दामोदर इतना दमदार था बच्चों कि 10-10 बंदरों को एक साथ अपनी पीठ पर बैठाकर चलता था। इतना दमदार था। हाँ बिल्कुल वंश, इतना दमदार था। तो द से दमदार, द से दमदार, द से दस। हाँ शाबाश। दामोदर अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता, लेकिन बच्चों एक गंदी आदत थी उसकी। वो टॉफी चॉकलेट तो खाता था पर कभी दांत साफ नहीं करता था। जी, 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 जी। गंदा बच्चा था वो, गंदा बच्चा, बहुत ही गंदा। बच्चों 10 बार शरबत पीता था वो पर एक बार भी दूध नहीं पीता था। दस से दूध। शाबाश, दस से दूध और दस से दस। दस से दलदल, दस से दावत, दस से दादी, दासे दादा, दासे दम। अच्छा बच्चों, जानते हो एक बार क्या हुआ? दामोदर दादा ने रात को ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट खाई और दांत साफ तो किए ही नहीं थे उसने। तो पता है फिर क्या हुआ? अगले दिन सुबह उसे दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मैं क्या करूं, अरे इतना दर्द। हाँ तो दा से दर्द और दा से दांत। और बच्चों तब दामोदर का दोस्त दीनू बंदर उसे डॉक्टर हाथी के पास ले गया। हाँ तो दा से
दीनू दासे दोस्त दासे दीदी दासे दामोदर दासे दादा दासे दादा। भैया क्या डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांत निकाल दिए? अभी तो इसका एक दांत टूटा एक दांत। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। क्या उसे बहुत दर्द हुआ? ये तो है, दर्द हुआ, लेकिन दांत वांत नहीं निकाले। डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांतों को जरा दबा कर देखा, कुछ इस तरह से। हाँ तो दामोदर, अपना मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो। अच्छा, अरे दामोदर थोड़ा और ज्यादा खोलो। डॉक्टर अब ये बताओ, क्या मेरे मुंह में बैठ के दांत देखोगे? हाँ तो बच्चों, दासे दामोदर, दासे दबाकर, दासे देखा, देखा, बजाओ उसी बात पर ताली। शाबाश, बहुत खूब। फिर डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा के दांतों में दवा लगाई। दासे दवाई, दासे दवा, दासे देखा और दासे दबाकर। तब डॉक्टर हाथी बोला, देखो दामोदर, तुम अपने शरीर का तो इतना ध्यान रखते हो, अपने दांतों की भी देखभाल कर लिया करो। दासे दर्द, दासे दर्द, देखभाल, दासे दबाकर। शाबाश। आगे सुनो बच्चों, डॉक्टर हाथी बोला, दामोदर दांतों की देखभाल किया करो, उन्हें मजबूत बनाओ। देखो, अरे तुम्हारे दो दो दांतों में छेद हो गए हैं, छेद। अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ ही दिनों में हिलने लग जाएंगे। हाँ, सड़ने लग जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे। बजाओ ताली, जोरदार ताली। हाँ, कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा, तुम रोज इनमें दातुन किया करो। मेरे दादू भी दातुन करते हैं भैया। अरे वाह, क्या बात। दासे दातुन, दासे दातुन, दासे दद्दू, दासे दादू, दासे दादी। मेरे दादी नीम के दांतों करती है। अरे वाह, तो डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा, तुम नीम की दातुन किया करो। देखो दिन में 10-10 बार शरबत पीते हो, हैं? दूध भी पिया करो। अरे भाई, दूध दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉफी चॉकलेट खाया करते हो, हा? दाल और दही भी खाया करो। दासे दाल, दासे दाल, दाल तो पीते हैं, दाल तो पीते हैं, दही, दासे दही। अरे वाह वाह भैया, दही तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अरे वाह। दही तो बहुत अच्छी होती है भैया, ताली। दाल भी। हाँ तो बच्चों, फिर डॉक्टर हाथी बोला, दामोदर देखो, मैंने तुम्हारे दांतों में दवा लगा दी है, तुम्हारे दांतों का इलाज मैं करूंगा, जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आगे से इनका ध्यान रखना, समझे? समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। फिर उसके दांत नहीं निकालने पड़े? अरे नहीं, उसके दांत नहीं निकालने पड़े बच्चों, बल्कि दामोदर ने ये वादा किया कि अब वो रोज दिन में 2 बार दातुन किया करेगा, सुबह शाम वो दातुन करना दोहराएगा। मैं 2 बार साफ करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। दासे दिन और दाग। हाँ, दासे दिन, दासे दाग, दासे दर्द, दासे दाग, दासे दाग, दवाई, दासे दाग, दवाई, दासे दवाई, दासे दूध, वाह, दासे दोस्त, दासे दोस्त। अरे वाह 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 वाह। हाँ तो बच्चों, जब दामोदर के दांतों का दर्द कम हुआ तो उसे समझ में आ गया कि डॉक्टर हाथी के सुंदर, मजबूत और बड़े बड़े दांतों का राज क्या है। अच्छा बताओ, क्या है राज? हाथी दातुन करता है। अरे वाह वाह वाह, दीवा ने बहुत अच्छा बताया। वो दूध पीता है। अरे वाह, वंश ने कितना अच्छा बताया, दूध भी पीता है, दही खाता है। वो दही खाता है, अरे वाह वाह, दूध भी पीता है, दही भी खाता है, इसलिए तो उसके दांत बहुत मजबूत और शक्तिशाली भी हैं। दांत भी साफ करता है, दांत भी साफ करता है। अब उसके दर्द नहीं होता, उसके दांतों में दर्द भी नहीं होता। भाई वाह, बजाओ जोरदार ताली। वो रात को
हाँ रात में ब्रश करता है, दिन में भी करता है यानी सुबह शाम करता है, और वो नहाता भी है, हाथी दातुन करता है, स्कूल जाने से पहले भी ब्रश करता है। अरे बेटा स्कूल नहीं क्लिनिक जाने से पहले, क्योंकि वो तो डॉक्टर है ना, यानी अपने दांतों का कितना ख्याल रखता है हाथी, तभी तो उसके इतने बड़े बड़े, इतने मजबूत, इतने साफ सुथरे, शक्तिशाली शक्तिशाली दांत है उसके, है कि नहीं? या, या। तो अब तुम भी अपने दांतों को ऐसे साफ रखोगे ना? हाँ, करते हैं। अरे वाह, ब्रश करोगे ना रोज सुबह शाम? करते हैं। अरे वाह वाह, तो तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। प्रॉमिस। तो पहले से ही साफ। अरे वाह वाह वाह। हाँ तो बच्चों अब दामोदर को ये राज समझ में आ गया था और उसने भी अपने दांतों को स्वस्थ बना लिया। तो अब हुई कहानी खत्म। तो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। जल्दी आना। भालू दामोदर दमदार बहुत ही ज्यादा, एक था भालू दामोदर दमदार बहुत ही ज्यादा, दस दस बंदर पेट पे लेकर चलते भालू दादा। दसे होता दामोदर दमदार और दस दादा, दसे होता दामोदर दमदार और दस दादा। हुआ दामोदर के दांतों में तो चिल्लाया, दीनों बंदर ने उसको तब डॉक्टर को दिखलाया। दसे होता दांत दर्द दीनू और दिखलाया, दसे होता दांत दर्द दीनू और दिखलाया। डॉक्टर हाथी ने दांतों को देखा जरा दबाकर, डॉक्टर हाथी ने दांतों को देखा जरा दबाकर। छेद है दो दो दांतों में, अरे छेद है दो दो दांतों में, तुम रहना दवा लगा कर। दसे होता दामोदर दो देखा दवा दबा कर, दसे होता दामोदर दो देखा दवा दबा कर। दस दस बार शरबत पीते एक बार भी दूध नहीं, दस दस बार शरबत पीते एक बार भी दूध नहीं, टॉफी चॉकलेट खाते रहते अब तुम खाओ दाल दही। दसे दस और दसे दूध दसे होता दाल दही, दसे दस और दसे दूध दसे होता दाल दही। दर्द हुआ कम दांतों का तो दामोदर मुस्काया, दर्द हुआ कम दांतों का तो दामोदर मुस्काया, हाथी के दांतों का उसको राज समझ तब आया। झूम झूम के मस्ती में नाचे दामोदर दादा, झूम झूम के मस्ती में नाचे दामोदर दादा। दासे दामोदर के दांत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित और बच्चे, ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।